अपने भक्तों को चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाली, दुखी जन के दुख दूर करने वाली और संपूर्ण जगत के कष्ट मिटाकर सुख समृद्धि से सत्य भविष्य को संवारने वाली माँ भगवती को शत शत प्रणाम है। जब कभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे भक्तों ने माँ को पुकारा है तो निराकार रूप वाली माँ भगवती विभिन्न प्रकार के साकार रूप धारण कर धरती पर प्रकट होती रही है। माँ जिस भी साकार रूप को धारण करती है वो जनमानस के लिए पूज्य हो जाता है। लोग अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए माँ के उसी रूप को मूर्तियों और प्रतिमाओं के रूप में स्थापित कर पूजने लगते हैं। ऐसा ही एक रूप है माता चिंतपूर्णी। माँ भगवती के इस रूप को समर्पित एक प्राचीन एवं भव्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना नगर में स्थित है। एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के चहुं ओर का दृश्य बड़ा ही विहंगम और चित्त आकर्षक है। माता के जयकारे लगाते भक्त एक पंक्ति में मंदिर में दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। प्रकार दूसरी पंक्ति उन श्रद्धालुओं की होती है जो दर्शन करके और माँ का आशीर्वाद लेकर घरों को लौट रहे होते हैं। उनके चेहरे पर आई प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव ये दर्शाते हैं कि उनकी यात्रा सफल रही। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। हाथों में प्रसाद और फूल लिए माँ के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे भक्तों की आंखों में जो चमक दिखाई देती है और जिस उत्साह के साथ वो अपने पग आगे बढ़ाते हैं उससे उनके मन में विद्यमान माँ चिंतपूर्णी के प्रति आस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मंदिर के गर्भगृह में माँ चिंतपूर्णी एक पिंडी रूप में विद्यमान है। यहाँ माँ के इस पिंडी रूप की ही पूजा की जाती है। माँ चिंतपूर्णी को माता छिन्न देवी भी कहा जाता है। वास्तव में ये माँ भगवती का चिन्मस्तिका स्वरूप है। उसके अतिरिक्त माता चिंतपूर्णी को शमशान निवासिनी माता भी कहते हैं। इसी प्रकार तांत्रिक देवी भी माँ चिंतपूर्णी को ही कहा जाता है। छिन्मस्तिका माँ का वो स्वरूप है जिसमें अपना सिर काटकर अपने बाएं हाथ में पकड़े हैं। इसमें उनका धड़ दिखाई देता है जहाँ गर्दन से रक्त की तीन धाराएं निकली हुई होती हैं। माँ चिंतपूर्णी को मनोकामना माता कहकर भी संबोधित किया जाता है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि माता सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसी कारण श्रद्धा स्वरूप भक्तजन इसे देवी मनोकामना भी कहते हैं। मंदिर के प्रांगण में जब भक्तों द्वारा लगाए गए माता चिंतपूर्णी के जयकारे गूंजते हैं तो सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हर ओर श्रद्धा और विश्वास का एक समुद्र उमड़ता दिखाई देता है। अपने मन में अनेक प्रकार की मनोकामनाएं लेकर माँ के दरबार में आने वाले भक्तों का उत्साह किसी पहाड़ी नदी के प्रवाह की तरह प्रतीत होता है। चिंतपूर्णी का यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है
इसका जो इतिहास 800 साल पुराना है, कहा जाता है कि माईदास के नाम के एक भक्त हुए, यहाँ पर भगवती ने उनको कन्या रूप में दर्शन दिए थे। कन्या रूप से भगवती माँ ने यहाँ पर पिंडी स्वरूप धारण किया था और जिससे इस स्थान का नाम चिंतपूर्णी पड़ा। भगवती के आदेश से माईदास जी को कहा गया था कि आप यहाँ पर रहकर मेरी पिंडी स्वरूप की पूजन करो, और तब से आज माईदास से लेकर आज तक के पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी भगवती माँ की पूजन अर्चन करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ और पवित्रता के साथ भगवती माँ का पूजन करते हैं। यहाँ पे समय समय पर नवरात्रों में, पर्वों में यहाँ बड़े धूमधाम से भगवती माँ का पूजन किया जाता है। नवरात्रों के दौरान यहाँ पे भक्त लोग देवी सप्तशती का और हवन आदि पूजन आदि करते हैं, और उत्तर भारत से लगभग सभी पूरे भारत में यहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं। और कहा जाता है कि भगवती का जो ये स्वरूप है चिंतपूर्णी माता, ये सबसे छोटी बहन है और ये सबसे लाडली है, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है, इसलिए इस मंदिर का जो प्रसाद है वो आगे किसी भी मंदिर में नहीं जाता है। यहाँ पे जो चिंतपूर्णी मंदिर है अधिकतर लोगों की कुल देवी है, इसलिए लोग यहाँ पे आके अपने बच्चों के बाल उतारते हैं और माता के चरणों में अर्पित करते हैं, जिससे उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जिन भक्तों की मनोकामनाएं माँ की कृपा से पूर्ण हो गई होती हैं, उनके चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता के भाव स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। बहुत से लोग सहपरिवार भी आते हैं। नव विवाहित जोड़ी भी अपने नव जीवन को आरंभ करने के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। ऐसे भी परिवार हैं जो नवजात शिशुओं को माँ का आशीर्वाद दिलवाने माता चिंतपूर्णी के दरबार में आते हैं। जो श्रद्धालु पहली बार यहाँ आते हैं, उनका उत्साह अन्य श्रद्धालुओं से कुछ अधिक ही होता है। उत्साह के साथ साथ उनके मनों में भक्ति रस में डूबी उत्सुकता भी उमड़ रही होती है। मंदिर का भवन भी बड़ा ही भव्य और सुंदर है। शिखर शैली में निर्मित इस मंदिर का परिसर भी बड़ा ही विशाल है और उसमें अनेक छोटे छोटे और भी कई भवन निर्मित किए गए हैं। परिसर में भक्तों के बैठने के लिए भी एक खुला प्रांगण है। इसी परिसर में एक विशाल और प्राचीन वट वृक्ष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वृक्ष वर्षों पुराना है। इस वृक्ष की टहनियों से लोग रंग बिरंगी चुन्नियां बांधते हैं। ये चुन्नियां पूजा सामग्री के साथ ही प्राप्त होती हैं। और माता के दर्शनों उपरांत पुजारी थोड़ा सा प्रसाद और ये चुन्नी भक्तों को ही माँ के आशीर्वाद के रूप में लौटा देते हैं। माता के भक्त अपने मन में किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये चुन्नी पेड़ से बांधकर माँ से वचन लेते हैं। ये वचन
श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होता है। भक्त अपनी ओर से भी ये वचन देते हैं कि मनोकामना पूर्ण होने पर वो कृतज्ञता प्रकट करने और विभिन्न प्रकार की भेंट चढ़ाने फिर से माँ के दरबार में आएंगे। जिनकी मनोकामना माँ चिंतपूर्णी की कृपा से पूर्ण हो जाती है, वो इनमें से किसी एक चुन्नी को खोलकर माँ को अपनी ओर से वचन मुक्त करते हैं। ये प्रथा न जाने कब से चली आ रही है। इस परंपरा का सभी भक्त विश्वास के साथ पालन करते आ रहे हैं। इसी प्रकार मंदिर के छत पर सिक्के फेंकने की भी एक वर्षों पुरानी परंपरा है। भक्त जब सिक्के छत पर फेंकते हैं तो कुछ टकरा कर वापिस धरती पर गिर जाते हैं। गिरे सिक्कों को उठाकर लोग ये मानकर उन्हें अपने पास संभाल कर रख लेते हैं कि ये माता की ओर से दिए गए वरदान का प्रतीक है। उस सिक्के को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि कुछ संपन्न लोग सोने चांदी के सिक्के भी फेंका करते हैं। माँ चिंतपूर्णी मंदिर के परिसर में एक और माता संतोषी की प्रतिमा भी स्थापित है। ये प्रतिमा मूर्ति कला का एक सुंदर उदाहरण कही जा सकती है। संतोषी माता के प्रति भी लोगों के मन में अगाढ़ श्रद्धा है। माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के उपरांत भक्तजन यहाँ भी माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परिसर में हवन कुंड भी है। यहाँ विशेष पर्व और धार्मिक अवसरों पर हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। बहुत से परिवार अपने बच्चों के मुंडन संस्कार भी माता चिंतपूर्णी के दरबार में आकर करते हैं। इसके लिए मंदिर परिसर में एक विशेष स्थान बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि बच्चों की मुंडन माँ के दरबार में करने और उनके केश माँ के चरणों में अर्पित करने से बच्चों को जीवन भर किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मंदिर से बाहर निकलने वाला द्वार चांदी से निर्मित है। इस द्वार पर बड़ी ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। इन पर विभिन्न प्रकार के बेल बूटे, फूल और आकार उकेरे गए हैं। माता चिंतपूर्णी का ये पवित्र एवं प्राचीन मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ऊंचे स्थान पर स्थित होने के कारण मीलों दूर से मंदिर का ध्वज और चमकदार कलश दृष्टिगोचर हो जाते हैं। मंदिर का भवन भी दूर से दिखाई देता है। माँ के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु उस समय और अधिक उत्साहित हो जाते हैं जब उन्हें दूर से माँ चिंतपूर्णी का भवन और कलश दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के शिखर पर जो पत्रे लगाए गए हैं उन पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। मंदिर की वास्तविक शोभा तो माँ के भक्तों से है। माँ का दरबार उस समय सबसे अधिक सुशोभित होता है जब वहाँ भक्तों की भीड़ लगी होती है। मैं माँ चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं से, पंजाब अधिकतर पंजाब के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो यहाँ आकर दर्शन पर्ची लेकर ही लाइनों में दर्शन करें।
क्योंकि यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं, कुछ यहाँ के शरारती तत्व जो हैं वो उनको गुमराह करके उनको कहते हैं कि मैं VIP दर्शन करा देते हैं आपको, इतने पैसे लगेंगे, ये सब फ्रॉड है। वो श्रद्धालुओं से पैसे ले लेते हैं और रास्ते में उनको छोड़ करके भाग जाते हैं। तो मेरा आने वाले श्रद्धालुओं से, जैसे पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, दूसरी स्टेटों से आते हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि दर्शन पर्ची लेकर ही माता जी के दर्शन करें। अपने साथ पॉलिथीन वगैरह का साथ ना लाएं, क्योंकि यहाँ हिमाचल हाई कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार जो पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। माता और भक्तों का संबंध श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। मनोकामनाओं की पूर्ति का श्रद्धा से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे भी सैकड़ों भक्त हैं जो केवल माँ के दर्शनों के लिए ही मंदिर में आते हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा या कामना नहीं होती। वो केवल आस्था की डोर से बंधे चले आते हैं। माँ को भी केवल भक्ति और श्रद्धा की ही भेंट स्वीकार है। माता और श्रद्धालुओं का नाता आस्था और भक्ति की डोर से ही बंधा होता है। जब कभी माँ के आशीर्वाद से भक्तों की कोई कामना पूर्ण हो जाती है या फिर उनकी इच्छा की पूर्ति होती है, ऐसे में आशा, विश्वास और श्रद्धा रूपी संबंध अधिक प्रगाढ़ हो जाते हैं। माँ का प्रेम और विश्वास भेंट देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। माता के स्नेह और आशीर्वाद की केवल और केवल भक्ति और श्रद्धा से ही प्राप्त होती है। ऐसी सामर्थ्य किसमें है जो जगत का पालन करने वाली को कुछ भेंट दे सके। संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करने वाली माता को भला एक मनुष्य दे ही क्या सकता है श्रद्धा और विश्वास के अतिरिक्त। माता चिंतपूर्णी का ये पवित्र तथा प्राचीन मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति स्थलों में से एक है। इसके प्रति लोगों के दिलों में जो श्रद्धा है और जिस प्रकार यात्रियों की संख्या में हर वर्ष निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखकर ये बात पूर्ण विश्वास के साथ कही जा सकती है कि ये मंदिर शीघ्र ही भारत के प्रमुख शक्ति स्थलों में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेगा। माता चिंतपूर्णी, माता छिन्नमस्तिका तथा माता तांत्रिक देवी को हमारा बार बार प्रणाम है। जय माता भगवती की।